वैसे साफ दिल में बसते हैं, भला वोट क्यों नहीं देंगे? हमें डर बीजेपी का नहीं है, बीजेपी का डर नहीं दिखा सकते हमें कोई भी। बल्कि मुसलमानों पर अत्याचार तभी रुकेगा जब लोग मुत्तहिद होंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, वोट भी नोट भी सब कुछ देंगे। ऐसा नहीं है, उन्होंने सबका नाम लिया, दलितों का भी नाम लिया, सिखों का भी नाम लिया। मैं इस वक्त सहारनपुर में मौजूद हूँ, असदुद्दीन ओवैसी की रैली खत्म हुई है, लोगों का काफी भीड़ थी यहाँ पर और काफी दूर से लोग यहाँ पर चल करके आए थे असदुद्दीन ओवैसी को सुनने। कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। कहाँ से आए थे? सहारनपुर से। सिर्फ ओवैसी साहब को सुनने आए थे या वोट भी देंगे? ओवैसी साहब दिल में बसते हैं, भला वोट क्यों न देंगे? वोट देने के लिए भी, सुनने के लिए भी, उनको सब कुछ सुनने के लिए। मोहब्बत में आए थे? मोहब्बत में नहीं, बस दिल की गहराई में बसते हैं, वैसे खून खून में बसते हैं। वोट भी सब कुछ देंगे, वोट भी नोट भी सपोर्ट भी। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए आप? हैदराबाद से। अच्छा, ये बताइए, खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से हैं, आप भी आए सुनने के लिए आए थे? सिर्फ मेरा वतन है, वो मेरे वतन में आ रहे थे, मैं उनके इस्तकबाल में हैदराबाद से चलकर आया हूँ। और खाली सुनने के लिए नहीं, सुनते तो रोजाना ही है, हम सुनेंगे भी, वोट भी देंगे। और हम खुद कार्यकर्ता हैं, पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। कह रहे असदुद्दीन ओवैसी साहब एग्रेसिव भाषण देते, उन्होंने खुद कबूल किया कि हम ऐसे ही बोलते हैं, हमारा जुबान ही ऐसा है। जुबान गलत क्या कहा उन्होंने? कह तो रहे ना कि हम एग्रेसिव बोलते हैं। गलत क्या बात कही नहीं, आप ये बताइए ना, गलत क्या बात की उन्होंने? असदुद्दीन लोग कह रहे ना, भड़काते हैं लोगों को, कहना तो काम ही है, लोग तो कहते ही हैं। उन्होंने ये भड़काऊ भाषण देते हैं स्टेज पर चढ़कर, कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, वो क्या करते हैं? क्या करते हैं वो भड़काऊ भाषण नहीं है। मैंने स्पीच अभी 50 मिनट का स्पीच सुना, सिर्फ मुसलमानों का जिक्र हो रहा है, सिर्फ मुसलमान, लेकिन वहाँ पर पोस्टर पे लगा हुआ वंचित शोषित, सिर्फ नाम का लगा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने सबका नाम लिया, दलितों का भी नाम लिया, सिखों का भी नाम लिया, सबकी बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो शोषण होता है वो मुस्लिमों का होता है, इसलिए सबसे ज्यादा नाम मुसलमानों को लिया जाता है, मुसलमानों को इसीलिए कहा जाता है। ओवैसी साहब के आने से मुसलमानों पर अत्याचार रुक जाएगा क्या? बिल्कुल रुकेगा। कैसे रुकेगा? ऐसे ही रुकेगा, सरकार ही नहीं बनेगी तो कैसे? अगर सरकार नहीं बनेगी, नहीं, अगर सरकार नहीं बनेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमानों पर अत्याचार नहीं रुकेगा, बल्कि मुसलमानों पर अत्याचार तभी रुकेगा जब लोग मुत्तहिद होंगे, अपनी आवाज उठाएंगे और अपने नेता को जो है मजबूत करेंगे। दूसरा हराओ और तीसरा जीतो, तो अभी हम किस स्टेज में आप जानते हैं, ये मत कहिए। हमें डर बीजेपी का नहीं है, बीजेपी का डर नहीं दिखा सकते हमें कोई भी। जब बसपा सपा और जो है कांग्रेस, जब बसपा और सपा मिलकर के इलेक्शन लड़ी तब बीजेपी को नहीं रोक पाए? क्यों नहीं रोक पाए? ओवैसी साहब आए हैं मुसलमानों का वोट। मैं बताता हूँ सर। सर उसमें होता क्या है कि एक हिंदुत्व का चश्मा लगा दिया जाता है, ठीक है? ओवैसी साहब भी तो मुसलमानों की बात। मैं सर वही बता रहा हूँ, सर मैं वही बता रहा हूँ। ओवैसी साहब की आपने बात सुनी क्या? ओवैसी साहब मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आपने उनकी पूरी बात को कोट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है मैं जो दबे कुचले लोग हूँ उनकी आवाज हूँ, ठीक है? इतने सारे घटना का जिक्र किया, फैसल का जिक्र किया, चूड़ी वाले का जिक्र किया, मुसलमान का ही तो जिक्र किया उन्होंने। एक बात तो बताया उन्होंने, तो दलितों का भी जिक्र किया साहब। यहाँ पर उन्होंने दलितों की बात की कि दलितों पे भी जुल्म हो रहा है, क्या नहीं कहा? आप ओवैसी साहब का भाषण सुनिए, मुजफ्फरनगर वाला सुनिए, मुजफ्फरनगर वाले में क्या कहा उन्होंने, दलितों की भी बात की। तो आप इस वक्त सहारनपुर की जनता को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी को ही हम जिताएंगे क्योंकि वही मुस्लिम के हक हुकूक की बात कर सकते हैं। सहारनपुर से नेशनल इंडिया न्यूज के लिए सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।